हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल द फेवरेट स्टॉक। और आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक फार्मा इंडस्ट्री का स्टॉक है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री अभी कमाल कर रही है, हालांकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इस सिचुएशन में जो इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट में अच्छा काम कर रही है वो कौन सी है? एक तो है वो फार्मा इंडस्ट्री, और दूसरी वो इंडस्ट्री है जितनी भी ग्रोसरी से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली इस फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। आज इस स्टॉक के बारे में मैं दो ऐसी खबर आपको बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप काफी ज्यादा खुश हो जाने वाले हो। पहला क्या है? पहला तो है कि इसका जो रिजल्ट आया है अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वो खतरनाक रवि रिजल्ट आया हुआ है। और दूसरा इस स्टॉक ने लेटेस्ट में अभी अनाउंसमेंट की हुई है, मैं आपको वो न्यूज पूरी दिखाऊंगा कि आने वाले सितंबर मंथ में वो इस स्टॉक को स्प्लिट करने वाले हैं। क्या होता है स्प्लिट, मैं आपको भी पूरी डिटेल बताने वाला हूं, बने रहिए। और आपको कैसे प्रॉफिट मिलेगा इससे अच्छा खासा, वो भी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। किस तरीके से प्रॉफिट लेना है वो भी एक आर्ट होता है दोस्तों, जो हमें सीखना पड़ेगा। तो चलिए इस पूरी चीज को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वो कौन सी है? वो लॉरस लैब है दोस्तों। मैं इस कंपनी के बारे में आज बात करने जा रहा हूं आपसे। हो सकता है कि हाल ही में आपने इस कंपनी का नाम सुना भी हो। अभी इस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कंपनियां हैं वो कौन सी हैं? वो फार्मा इंडस्ट्री की तो कंपनियां हैं। और उसके ऊपर इस कंपनी का जो रिजल्ट आया हुआ है वो ताबड़तोड़ आया है, जस्ट मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। आप यहां पर नोट कर सकते हैं कंपनी का नाम जो कि है लॉरस लैब। दोस्तों, अगर आप एनएससी के साइट पे जाएंगे तो एनएससी की साइट में जाने के बाद में आप इस कंपनी का नाम डालिए, और जैसे ही आप कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में आते हो तो यहाँ पर आपको उस स्टॉक से रिलेटेड सारी जो न्यूज है, जितने भी रिजल्ट आने वाले हैं, जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उसी में से एक मैं बात करने वाला हूँ आज। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट जो आपको दिख रहा है, और प्लस स्टॉक स्प्लिट, राइट? आप यहाँ पर देख सकते होंगे, जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, और हम बात करने वाले हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको चाहिए तो आप पूरी रिपोर्ट ये पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, और अदर इनकम लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी यही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 30 जून 2020 की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो दिख रहा है 970 करोड़ का, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो। और लास्ट ईयर 30 जून 2019 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये 541 करोड़ करीब करीब था। तो ईयर ऑन ईयर आप समझिए कि कितना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, ओके? अदर इनकम की भी अगर हम बात करें तो ये 4 करोड़ से तकरीबन 6 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, टोटल इनकम जो है वो करीब करीब 976 करोड़ का इनको हुआ है। और अगर मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर की तो लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 830 करोड़ था, और ईयर ऑन ईयर अकेले मैं बात करूं तो लास्ट ईयर एक तकरीबन 545 करोड़ था, ठीक है? ये आ गई टोटल इनकम की बात। लेकिन अभी एक्सपेंसेस भी देखने बाकी हैं कि इन्होंने कितना एक्सपेंस किया है, इनका कितना पैसा खर्च हुआ है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस दोस्तों, राइट? हम इसकी बात अभी कर लेते हैं। तो टोटल दोस्तों एक्सपेंसेस जो है, जितना इन्होंने खर्च किया है वो तकरीबन 768 करोड़ के आसपास है। जाहिर सी बात है, अच्छा खासा इन्होंने खर्च भी किया है। और लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ये 524 करीब करीब था, और ये अभी बढ़कर 768 हो चुका है। ये वैल्यू जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की है, लेकिन हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे आफ्टर टैक्स की, राइट? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर देख पा रहा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आखिरकार कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर मतलब जून 2019 में
ये मात्र 17 करोड़ था, राइट। और उसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो ये आप देख सकते हो 158 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। और यही आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके रिजल्ट कितने अच्छे आए हैं। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं दोस्तों, तो ये तकरीबन मार्च अप्रैल में ट्रेड कर रहा था 400 के आसपास, और अभी की डेट में ये दोस्तों 900 के ऊपर जा चुका है। यस, दिस इज द प्राइस करेंटली ऑन दिस स्टॉक। तो नो डाउट प्रॉफिट कमाल के हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये स्टॉक ने फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कमाल कर दिया है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं मैं और कौन सी न्यूज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मार्केट कैप की अगर बात करें तो ये तकरीबन 10,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, प्लस ये कंपनी हमको 25% डिविडेंड भी। इंडस्ट्री की अगर पी की बात करोगे तो 33 का है, और इसका पी तकरीबन 37 का आप यहां देख पा रहे हो। तो कंपेरेटिवली ये इंडस्ट्री के बराबर ही चल रहा है, ये बहुत ज्यादा ओवर अभी नहीं हुआ है। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो इसकी फेस वैल्यू है, जो कि आप यहां देख सकते हो कि 10 रुपए है। इसको याद रखिएगा, अभी मैं आगे इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दूसरी जो खबर आई थी दोस्तों इसके बारे में, वो क्या थी, स्टॉक स्प्लिट की आप यहां पर देख सकते हो। तो एनएससी की साइट में आने के बाद जब इसकी आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीडीएफ के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन में जिसकी आपकी जरूरत है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर लिखा हुआ है कि 30 सितंबर को इसका रिकॉर्ड डेट है। यहां पर आप देख सकते हो किस चीज का रिकॉर्ड डेट है, ये एक्चुअली जो स्टॉक है इसकी फेस वैल्यू जो है अभी फिलहाल में वो कितनी है, वो है 10 रुपए, राइट। और इसको ये कंपनी करने वाली है 2 रुपए, जिसके कारण अगर आप 30 सितंबर के पहले ये शेयर को लेते हो तो एक शेयर जो है आपका 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसकी फेस वैल्यू को ये कम कर रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, ये कंपनी जो है अपने शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ा रही है, जिसके चलते एक शेयर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक 30 सितंबर से पहले ले लिए तो आपको इसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अभी इस चीज को आप गलत मत समझिएगा, ये स्प्लिट होने वाला है। यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हो, आप यहां पर ये स्प्लिट होने वाला है, राइट। मतलब क्या है इसका, चलिए देख लेते हैं। देखिए अभी इस कंपनी का जो शेयर है तकरीबन वो चल रहा है 900 के आसपास, राइट, 900 के आसपास चल रहा है, समथिंग कुछ हम 900 पकड़ के चलते हैं, ओके। तो अभी 30 सितंबर में इसकी रिकॉर्ड डेट है, 30 सितंबर में, राइट, ओके। 30 सितंबर से पहले सपोज कीजिए इसका जो वैल्यू है वो करीब करीब हो गया 1000 रुपीज, ओके, 1000 रुपीज। तो रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपने इस स्टॉक को बाय किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1000 के बदले 5000 मिल जाएंगे, इसका मतलब कतई भी ये नहीं है। डेफिनेटली एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको इस 1000 में इस 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 0, मतलब एक शेयर की जो वैल्यू हो जाएगी वो तकरीबन हो जाएगी 200 रुपए, समझ रहे हैं आप। लेकिन इससे आपका प्रॉफिट कैसे होगा, इस चीज को समझना चाहिए। देखिए प्रॉफिट ऐसे होगा कि जैसे ही इसकी प्राइस कमेगी, मतलब 200 रुपए जब इसकी प्राइस हो जाएगी एक शेयर की, तो अभी इस शेयर में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऑलरेडी ये स्टॉक का रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ, ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। फार्मा इंडस्ट्री वैसे भी अभी कमाल कर रही है। अभी कोविड का सिचुएशन अभी थोड़ा सा और लंबा चलने वाला है, जैसा सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो है जब कम प्राइस में आएगा तो ये और जल्दी इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब ये 200 में आएगा तो 200 से ये हो सकता है कि कुछ एक आध महीने के अंदर ही हमको ये 400 में दिखाई दे दे, राइट, ओके। तो ऐसे आपका इसका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है वो 900 है। बहुत से लोग इसको खरीदने से पहले सोचेंगे मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, लेकिन जब 200 रुपए ये हो जाएगा तो बहुत से लोग ये सोचेंगे चलो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, रिजल्ट अच्छा हुआ है और स्टॉक का प्राइस भी कम है तो हम इसे खरीद लेते हैं। तो इसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा और हमें इस स्टॉक में जम दिखाई देगी। तो दोस्तों ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है
तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।